फ्रेंड्स, मैं चंदन राज आज आप लोग के बीच में रिसर्च का न्यू टॉपिक्स है चैप्टर 4, जिसका नाम है हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे मेनली हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे, हाइपोथेसिस होता क्या है, एक गुड हाइपोथेसिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में जानेंगे, और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह रिसर्च का पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज बाकी पीछे के भी लेक्चर को देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हाइपोथेसिस कहते किसको है। तो फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस कहने का मतलब किसी भी काम को करने से पहले, जैसे आपको कोई काम दे दिया गया कि जाओ तुमको क्या करना है, मार्केट से सब्जी लेकर आना है, तो अब पहले से ही आप क्या करें, सपोजिशन करने लगे, आप सोचने लगे, मान लिए कि हम अब मार्केट जाएंगे तो वहां पर जो सब्जी का जो रेट होगा वो 20 रुपए 30 रुपए रहेगा, इस तरह का सब्जी का रेट रहेगा। तो आप पहले से जो मान रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स आपको मिलेंगे, भिंडी ये सब डिफरेंट वेजिटेबल्स है, तो जो आप पहले से सपोजिंग कर रहे हैं, जो बाद में वह गलत भी हो सकता है या फिर सही भी हो सकता है, हो सकता है कि हाँ दो से ज्यादा सब्जी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सब्जी हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपका बाद में चेंज भी कर सकता है और नहीं भी चेंज कर सकता है। तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं, यानी कोई भी चीज को करने के पहले मान लेना। तो चलिए डिफिनेशन के अनुसार से समझते हैं कि हाइपोथेसिस कहते किसको है। तो बोला गया कि सपोजिशन और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बोला गया कि कोई भी काम को शुरू करने के पहले क्या करना, मान लेना कुछ वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। जैसे कि अगर किसी को बोला गया कि घर बनाने की जरूरत है, ठीक, वो कुछ कुछ जानकारी को लेकर वो मान लिया कि हाँ जब हम भी घर बनाएंगे तो हमें भी 10 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगा, इतना ईंटे की जरूरत पड़ेंगे, इतना हमें क्या है जो बालू है सब की जरूरत पड़ेगा। तो पहले से मान लेना, सपोजिशन कर लेना, मान ले रहा है लिमिटेड एविडेंस के द्वारा, इसको पता, इसको नहीं पता है कि हाँ हमें कितना लगेगा, लेकिन वो मान रहा है कि नहीं कम से कम हमको 10 लेबर की जरूरत पड़ेंगे। तो ये बाद में जाकर चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ 10 लेबर है तो 10 ही लेबर लगेगा, ऐसे कम भी लग सकता है और ज्यादा भी लग सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होगा कि घर वो कितना बड़ा बना रहे हैं तो उस पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से कि जो हम सपोजिशन पहले से ही मान ले रहे हैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा काम करने के पहले, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। सेकंड डिफिनेशन बात करते हैं कि इट इज द टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। बोला गया क्या, क्या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, टेंटेटिव कहने का मतलब चेंजेबल स्टेटमेंट है, जो बाद में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, जो क्या करने वाला, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वो क्या कब चेंज करेगा, वो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि उसका वेरिएबल्स दो या दो से अधिक है, जिस पे डिपेंड करेगा तो उसके अनुसार से चेंज करेगा। जैसे कि मैं अभी जस्ट मकान का एग्जांपल दे रहा था, तो अगर पर्सन को अगर छोटा मकान बनाना होगा तो उसको कितने लेबर की जरूरत पड़ेंगे, कम लेबर की जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर उसे बड़ा मकान की जरूरत है और जल्दी बनवाना है तो उसे ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेंगे। तो यहां पर क्या डिपेंड कर रहा है, दो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, घर कितना बड़ा बना रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, और कितना जल्दी बना रहे हो जिस पर डिपेंड करता है। तो वही बोला गया कि हाइपोथेसिस क्या है, यह एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो बाद में बदल सकता है, यह डिपेंड किस पे करता है, वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। थर्ड बात करते हैं कि हाइपोथेसिस इज एन एजम्पशन स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स सजेस्ट एन आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। दम सेम वही बोला, सबका डिफिनेशन मैंने तीन डिफिनेशन यहाँ पर बताया, तो जो थर्ड डिफिनेशन है वो यही बोला गया कि अगर कोई रिसर्चर जानना चाहता हो कि एक मकान को, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक मकान को बनाने में कितने लेबर की जरूरत पड़ते हैं, कितने ईंटे की जरूरत पड़ता है, तो अगर इसके बारे में अगर वो मान लेता है, तो उस चीज को मानने के बाद अगर वहां पे जाता है देखने के लिए, जब काम करवाएगा तो वो क्या क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या था,
कि वो मकान कितना बड़ा बनवा रहा है और कितना जल्दी बनवा रहा है उस पर डिपेंड्स करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया हाइपोथेसिस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हाइपोथेसिस कहते किसको है। हाइपोथेसिस एक प्रकार का सपोजिशंस है जो कोई भी काम करने के पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। यह एक प्रकार का टेंटेटिव स्टेटमेंट है। टेंटेटिव कहने का मतलब यह एक चेंजेबल स्टेटमेंट है जो बाद में जाकर चेंज हो सकते हैं। फिर बात करिए डिपेंड किस पे करता है, वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया हाइपोथेसिस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि एक गुड हाइपोथेसिस का क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं जिसके बारे में जानेंगे हम। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस के बारे में। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है कि ए गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी रिटेन इन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट यूजिंग प्रेजेंट टेंस। बोला गया कि जो गुड हाइपोथेसिस रहेगा वो किस चेंज में लिखा रहेगा, वह जो लिखा हुआ रहेगा वो प्रेजेंट टाइम में लिखा हुआ रहेगा, वो बल्कि पास्ट ये सब में नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जो पर्सन है वो मकान बनाना चाहता है तो प्रेजेंट में सोचा था कि कितना वर्कर की जरूरत पड़ेगा, 10 वर्कर की जरूरत पड़ेगा। तो जो भी डिक्लेयर करेगा, जो भी बताएगा वो किस फॉर्म में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। फिर बात करते हैं इट मस्ट कंटेन वेरिएबल पॉपुलेशन अंडर स्टडी एंड इट शुड बी रिलेवेंट टू रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव। बोला गया कि जो इसका जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं उसमें जो वेरिएबल्स होगा क्या होगा, पॉपुलेशंस होंगे। जैसे कि जो मकान का मैंने एग्जांपल दे रहा था तो उसमें जो रिसर्चर क्या थे, जो दूसरे को मकान के बनते हुए देखे होंगे उसमें देखे कि कितने लोग हैं, 10 लोग वर्कर की जरूरत पड़ा है। तो इसलिए बोला गया कि जो जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपका जो हाइपोथेसिस रहेगा वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड ही रहेगा। जैसे कहने का मतलब मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर रिसर्चर्स है वो मकान के बारे में उसका रिसर्च प्रॉब्लम्स है कि उसे एक मकान बनाने में कितने वर्कर्स की जरूरत पढ़ते हैं, तो जो उनका जो हाइपोथेसिस होगा वो मकान से रिलेटेड ही होगा, बल्कि ये नहीं होगा कि हाँ कि हम बाइक कितना स्पीड का बनाएंगे कि कितना तेज चलेगा, वो इस तरह का हाइपोथेसिस नहीं होगा। जब भी हाइपोथेसिस बनेंगे तो मकान से रिलेटेड ही बनेंगे। तो वहीं बोला गया कि एक गुड हाइपोथेसिस कब होगा कि जो रिसर्च प्रॉब्लम्स जो मिला है अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी हाइपोथेसिस बनाता है तो उसे को क्या बोलते हैं, गुड हाइपोथेसिस बोलते हैं। रिलेवेंट कहने का मतलब रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी के बारे में कि ये अब यहां से मैं बात करूं मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए जिसके बारे में, कि जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी कहने का मतलब कि हाइपोथेसिस शुड कंसिस्ट ऑफ द क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टेबल कॉन्सेप्ट। बोला गया कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी कहने का मतलब कि जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो वो क्लियरली डिफाइन करे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम का जो हाइपोथेसिस है वो क्या है कि कोई भी मकान बनने में कितने वर्कर्स, 10 वर्कर्स की जरूरत पड़ते हैं, कितने वर्कर्स के, तो जो आपका प्रॉब्लम्स है वो क्या होना चाहिए था, क्लियरली जो दूसरे को भी समझ में आए आपको हाइपोथेसिस को देखकर। ऐसा नहीं कि आपका मकान का हाइपोथेसिस प्रॉब्लम्स है और आप वहां पे बना रहे हैं कि हाँ जो टीवी इतना पर्सन का है इसे, तो आप टीवी से रिलेटेड किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड आप हाइपोथेसिस को नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे दो बात आया, एक आया इंडिपेंडेंट और दूसरा आया डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स उसे बोलते हैं जो कॉजेज हो, कारण हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो जिसपे इफेक्ट दिख रहा हो। जैसे मैं क्या बोला कि जो एक मकान बनाने के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ते हैं, 10 वर्कर्स को सिलेक्ट किया गया है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होगा कि मकान उसका कितना बड़ा बनना है और कितना जल्दी बनना है, ये उसका क्या है वेरिएबल्स हैं जो डिपेंड करता है कि कितना लेबर लगेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया वो मकान का साइज हो गया कि कितना बड़ा बनाते हैं उस पर डिपेंड, और कितना जल्दी बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना वर्कर्स लगेगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कितना लगेगा। तो आपको समझ में आ गया।
कि डिपेंडेंट किसे बोलते हैं और इनडिपेंडेंट किसे बोलते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूं कि जो सीमेंट फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो अफेक्टेड हैं किससे, टीबी से। तो यहाँ पर टीबी को किससे, टीबी क्या है, यह अफेक्ट हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो ये किससे किसके कारण से हो रहा है और किस पे डिपेंडेंट है, जो सीमेंट फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट देखने को मिल रहा है, टीबी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया आपका सीमेंट फैक्ट्री जहां पे वर्क कर रहे हैं, और डिपेंडेंट क्या हो गया, जो वर्कर है जिनको क्या हो रहा है, टीबी हो रहा है। तो इस तरह से हमने बात किया डिपेंडेंट के बारे में और इंडिपेंडेंट के बारे में। फिर हम बात करते हैं इम्पिरिकल रेफरेंट, यह भी क्या है, गुड हाइपोथेसिस का या एक कैरेक्टरिस्टिक है। बोला गया एन आर्टिकल्स विच आर रिपोर्ट रिसर्च बेस्ड एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। बोला गया इम्पिरिकल रेफरेंट कहने का मतलब कि जो भी हाइपोथेसिस आप जो बना रहे हो, जो कैसा हो, रियलिस्टिक हो, जो आप एक्चुअली में आप खुद एब्जॉर्ब किए हो, खुद उसको देखे हो, खुद उसका एक्सपीरियंस लिए हो और खुद वो एक्सपेरिमेंट करवाए हो, तो वैसे चीज को आप क्या बोलते, तो आप तभी जो आपका हाइपोथेसिस रहेगा वो करेक्ट रहेगा। जैसे अगर कोई पर्सन रिसर्च कर रहा है, ठीक, अगर उसको घर बनाना, वो कभी घर बनते हुए देखा ही नहीं हो, तो उसमें कितने वर्कर लगते हैं, क्या मटेरियल लगते हैं, ये सब का उनको अनुभव एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसलिए बोला गया कि गुड हाइपोथेसिस वही बना सकता है जो वह खुद एक्सपीरियंस कर चुका हो, वह रियलिस्टिक, वह उस फेनोमेनन से गुजर चुका हो, या फिर उसके बारे में जानकारी हो, ऑब्जर्व किया हो, तो वैसे भी अगर रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पिरिकल रेफरेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, स्पेसिफिसिटी के बारे में। स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब जो त्रुटि है उसको कभी भी आप गलत या फिर उसको सुधार नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। तो जैसे बोला गया कि गुड हाइपोथेसिस शुड बी नॉट जनरल एंड शुड एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। बोला गया कि जो गुड हाइपोथेसिस होता है वो कभी भी जनरल नहीं होता है, उसका जो एक्सप्लेन कर रहे, जो एक्सपेक्टेड रिलेशन रहता है वेरिएबल्स के बीच में हमेशा होना चाहिए, जो कुछ भी निकलना चाहिए दोनों के बीच में। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया कि रेगुलर योगा रिड्यूस स्ट्रेस, ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो एग्जांपल है कि जो रेगुलर योगा करते हैं उससे क्या होता है, स्ट्रेस है जो लॉस होता है, तो ये क्या, ये जनरल है, सभी कोई जानते हैं, तो इसमें ना कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो यह स्पेसिफाई है, यह पहले से ही पता है सभी को, तो वैसे को हम लोग गुड हाइपोथेसिस नहीं बोलेंगे। फिर बोला गया रिलीवेंट, रिलीवेंट कहने का मतलब कि द हाइपोथेसिस शुड रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स बीइंग स्टडी एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। बोला गया कि हाइपोथेसिस जो है वो रिलेटेड होना चाहिए प्रॉब्लम्स ऑफ स्टडी से, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है उसके बारे में स्टडी उसके बारे में कर सके, और क्या हो, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, और उसका गोल क्या है, किस लिए स्टडी करा, पर्पसेस क्या है, कॉज ऑफ रिसर्च क्या है, जिसके बारे में भी वो जान सके, तो वैसे को वैसा अगर हाइपोथेसिस बनाते हैं तो क्या रहेगा, गुड हाइपोथेसिस कहलाएंगे। मत सिंपल से बोले रिलेवेंट कहने का मतलब कि ऐसा हाइपोथेसिस जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो और उसके बारे में कॉजेज ऑफ रिसर्च के बारे में पता चल सके, तो वैसे को क्या बोलेंगे, रिलेवेंट बोलेंगे। फिर बात करते हैं सिंपलिसिटी के बारे में कि हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड इन सिंपल एंड अंडरस्टेबल टर्म। बोला गया कि जो भी आप हाइपोथेसिस बना रहे हो वो कैसा हो, रिसर्चर कोई भी रिसर्च के बारे में आप अगर हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो सिंपल फॉर्मुलेटेड में होना चाहिए, जो किसी भी पर्सन को समझ में आ जाए उसके बताने पे, या फिर एक बार देख लेने से ही समझ में आ जाए, तो वैसे को बोलते हैं सिंपलिसिटी बोलते हैं, जो बहुत ही इजी हो, आसान हो समझने में। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकल्स के बारे में कि दर एक्सपेंडिचर ऑफ मनी एंड द टाइम कैन बी कंट्रोल इफ द हाइपोथेसिस अंडरलाइनिंग ऑफ द रिसर्च टेकन इज गुड। बोला गया कि अगर कोई भी हाइपोथेसिस अगर आप बना रहे हैं तो उसमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो उसका जो मनी है और टाइम है कि कितना ज्यादा मनी खर्च ना हो और ज्यादा टाइम नहीं लगे, तो वैसा हाइपोथेसिस बनाना है। ऐसा नहीं
कि अब ले लिए कि अगर किसी हमें जो रिसर्च करना है कि एक जो बच्चे हैं कि बच्चे में कौन कौन है जो माल न्यूरिस्ट से क्या है प्रभावित है। अब आप क्या किए हो, पूरे पॉपुलेशन को ले लियो, एडल्ट बच्चे से लेकर पूरे बुजुर्ग तक ले लियो, तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम टेकन भी हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, सभी के बारे में देखना पड़ेगा। फिर उसमें क्या है, आप जब बहुत सारे डिफरेंट हाइपोथेसिस, जब हाइपोथेसिस आप जब क्रिएट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ये सब जो कैटेगरिया है उस सभी चीज़ को बनाएंगे, जिसके कारण टाइम मनी बार बार उतना को कलेक्ट करना, उसके बारे में पूछना, इन सभी को देखना, तो उसमें खर्च वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो बोला है कि ऐसा हाइपोथेसिस बनाना है जो आपको जस्ट रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हो और कम टाइम लगे और इजिली वो कम इकोनॉमिकल खर्च में ही हो जाए, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड हाइपोथेसिस का हम लोग बोलेंगे, जो ये सब चीज़ कैरेक्टरिस्टिक उसमें देखने को मिलेगा जो। तो अब हम बात करते हैं कि जो हाइपोथेसिस है या क्यों इम्पोर्टेंस है रिसर्च में, इसके बारे में इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, कि जो रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या इम्पोर्टेंस है जिसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि इट स्टिमुलेट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्चर, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट कहने का मतलब बढ़ावा देना यानी बढ़ाना, तो वो ये स्टिमुलेट करता है जो रिसर्च का जो थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने के कैपेसिटी को बढ़ाता है। और सेकंड बात बोला गया कि विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वुड बी एमलेस बाउंड्री, बोला गया कि बिना हाइपोथेसिस का जो रिसर्च है वो कैसा है, एमलेस बाउंड्री, कोई भी एम है ही नहीं कि कहाँ किस चीज़ के बारे में, अगर रिसर्च प्रॉब्लम कुछ मिला है तो उसको कहाँ किस चीज़ पे रिसर्च करना है, किस चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, कहाँ हमें जाना है, किस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना है, किन क्या क्या प्लान करना है, इन सभी कोई चीज़ नहीं, उसका एम दम नहीं रहता, एमलेस बाउंड्री की तरह है विदाउट हाइपोथेसिस का। फिर बात करते हैं, इट प्रोवाइड ए ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी, जो हाइपोथेसिस है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि जो आपको रियलिटी, जो दोनों के बीच में जो ब्रिज की तरह, जुड़ाव की तरह बताता है कि जो आप स्टडी किए हो और थ्योरी में और रियलिटी में क्या जुड़ाव है, जिसके बारे में क्या वो कौन बताता है, हाइपोथेसिस बताता है। थर्ड बात करते हैं, इट प्रोवाइड क्लियर स्पेसिफिक गोल टू द रिसर्चर, जो हाइपोथेसिस है वो क्लियर उसके गोल को बताता है। जैसे अगर कोई भी पर्सन को अगर रिसर्च करना है मकान, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था, तो वो रिसर्च सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, मकान के बारे में, कि उसमें कितना वर्कर मतलब कैसा है, उसी चीज़ के बारे में वो नॉलेज डाटा ये सब को कलेक्ट करेगा, तो वो स्पेसिफाई कर देता है, वो क्लियर कर देता है कि आपको इसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है। फिर बोला गया इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू कंडक्ट, बोला कि यह डायरेक्शन बताता है कि आप किस तरह के स्टेप उठाओगे तो आपका जो रिसर्च है वो अच्छा बनेगा, अगर आपका हाइपोथेसिस गलत होगा तो रिसर्च भी यानी गलत होगा, तो इस तरह से ये आपको बताता है। लास्ट, इट प्रोवाइड इनसाइट टू रिसर्चर अबाउट व्हाट डाटा टू कलेक्ट एंड व्हाट नॉट बी कलेक्ट टू देयर प्रोवाइड फोकस टू स्टडी, मैंने अभी ही आपको बताया था कि जो हाइपोथेसिस है वो क्या करता है, इनसाइट आइडिया देता है रिसर्चर को कि आपको कौन से डाटा को कलेक्ट करना है और कौन से डाटा पे उसको कलेक्ट नहीं करना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, इन सभी चीज़ों जो वो अभी मैंने बताया वो हेल्प करता है हाइपोथेसिस एक अच्छा रिसर्च को बनाने में, उस रिसर्च प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज मैंने बात किया कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक गुड हाइपोथेसिस का, एंड मैंने लास्टली बताया इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। कल जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में और कहां कहां से हम हाइपोथेसिस को सिलेक्ट करेंगे, किस कहां कहां से हम लेंगे, इन सभी के बारे में हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग का सभी नॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन करें।